है उनके पास चलेंगे और जायजा लेंगे कि कल यानी कि पांचवें चरण के तहत होने वाले मतदान को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता कृष्णपाल सिंह श्रावस्ती से जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। कृष्णपाल, श्रावस्ती में फिलहाल क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है, किस तरह की तैयारियां कल के मतदान को लेकर की गई हैं? कृष्णपाल, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, आ रही है। जी कृष्णपाल जी, कल देखिए, के मतदान को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं, जल्दी से अपडेट दीजिए। श्रावस्ती में कल दो विधानसभा सीटें जो है उस पर मतदान होना है और उसके लिए तैयारियां प्रशासन पूरी तरीके से कर चुका है। जो है 8 लाख से ज्यादा मतदाता श्रावस्ती में है, दोनों विधानसभा सीटों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसको लेकर के जिला प्रशासन लगातार जो है बंदोबस्त कर रहा है। आज पोलिंग पार्टियां जो है सुबह से रवाना की जा रही है, अपने बच्चों जहां पर ड्यूटी लगाई गई है वहां पर भेजी जा रही है। पुलिस और पीएससी के जवान और इसके साथ साथ बीएसएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। भारत नेपाल की जो सीमा है वो कल सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से कल ही बंद की जा चुकी है और जब तक मतदान चलेगा तब तक वो भारत नेपाल की सीमा बंद रहेगी। जहां तक चुनाव में आता है कि शराब वगैरह की बिक्री और उसके जो बटने के जो चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसके देखते हुए कल ही से जो है शराब की दुकानें जो है पूरी तरीके से बंद कर दी गई और जब तक मतदान चलेगा तब तक वो दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा जिले में जो है जिले को 13 जोन में भी और 14 सेक्टर में विभाजित किया गया है। लगातार जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्रों में जो है निगरानी कर रहे हैं, पोलिंग पार्टियों को व्यवस्थापित कराया जा रहा है। इसके अलावा जो डीएम और एसपी जो है वो भी लगातार पोलिंग पार्टियों जो रवाना हो गई है उनकी रवानगी के साथ साथ मतदेय स्थलों पर पहुंच करके लगातार जानकारियां ले रहे हैं कि किसी को कोई समस्या नहीं है। और इसके अलावा डीएम ने जो है सार्वजनिक अपील जारी करते हुए जिलेवासियों से जो है निष्पक्ष मतदान की अपील की है। अगर किसी भी प्रकार से किसी भी कोई डराने धमकाने का मामला आता है उसके लिए जिले में टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं, इन नंबरों पर सीधे मतदाता शिकायत कर सकते हैं और जो भी शिकायतें प्राप्त होंगी उन पर जो है लगातार कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल, यानी पूरी तैयारी जो है वो मतदान को लेकर हो गई है। रजी सिद्दीकी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए बाराबंकी से। रजी, बाराबंकी में अगर मतदान की बात करें तो मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रशासन ने अब तक जागरूकता के जो इंतजाम है वो किए थे और कल को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, आपको बता दें कि कल पांचवें चरण का मतदान होना है। आज पोलिंग पार्टी सुबह से ही यहां से रवाना हो रही है और काफी है। जिले प्रशासन ने अगर बात की जाए तो पूरी व्यवस्था चाक चौबंद कर ली है। सुरक्षा की दृष्टि से तमाम सुरक्षाकर्मी लगाए जा चुके हैं, पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से पूर्ण की जा चुकी है। और आपको बता दें कि जो मतदान होना है और जो चुनाव यहाँ जिला अधिकारी ने जो भी जागरूक किया है, लोगों को काफी जागरूक किया है और एक त्योहार के रूप में मनाने की अपील की थी कि ये पर्व है, जिसे लोग पर्व को मनाते हैं उसी तरह मतदान को एक पर्व की तरह मनाने की अपील की गई थी। बिल्कुल, यानी खास तैयारियां हो चुकी है। अब्दुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अब्दुल कादर है बहराइच से हमारे साथ। अब्दुल, बहराइच में क्या कुछ खास इंतजाम है कल को लेकर, क्या कुछ मॉडर्न बूथ्स या फिर जो आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाते हैं जनता को जागरूक करने के लिए, मतदान को बढ़ावा देने के लिए, क्या ऐसे कुछ इंतजामात बहराइच में नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, हमको बता दें बहराइच विधानसभा में कल मतदान होना है, जिसके लिए 92 पोलिंग बूथ है और 2903 मतदान सेंटर बनाए गए हैं, जिसके लिए कल वही सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कल 86 कंपनियां लगाई गई सुरक्षा के लिए, जिसमें सेंट्रल टीम है और 3 पुलिस है और 5 गाड़ी होमगार्ड। वही कई जिलों से लगातार जिलाधिकारी द्वारा लोगों को प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, वोटा परसेंटेज बढ़ाने के तैयार काफी प्रयास किया जिलाधिकारी द्वारा, तो माना जाता है कहीं ना कहीं वोटा परसेंटेज बढ़ेगी। सुरक्षा की काफी ठीक है, यानी पूरी तैयारी जो है वो वोटिंग को लेकर कर ली गई है। बाराबंकी से हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए रजी के पास एक बार फिर से चलते हैं। रजी, अगर बात की जाए जनता की तो जनता का मूड इस बार किस पार्टी की ओर ज्यादा नजर आ रहा है, किस पर जनता मेहरबान दिखाई दे रही है?
जी आपको बता दें कि जनता की अगर बात की जाए तो यहाँ पे समाजवादी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई होने वाली है और जनता का मूड काफी हद तक अगर कहा जाए तो समाजवादी की तरफ ही रुझान हो रहा है। लेकिन जो कि जिले में 6 विधानसभा है तो 6 विधानसभा में अलग अलग मूड जनता का दिखाई दे रहा है और जनता पूरी तरह से जागरूक होकर अपनी मतदान करने के मूड में है। और जनता आपको बता दें जनता कहीं ना कहीं कुछ साइलेंट भी वोट करना चाह रहे हैं कि आपकी एक सरप्राइज के तौर पर देना चाह रही है। किसको अनुमान जो लगाया जाता है समाजवादी और बीजेपी, तो ज्यादातर समाजवादी वाले अपने कह रहे हैं कि हमारे सीट निकलेगी, हो सकता है इसके उलट भी कुछ हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल, यानी कि इस बार कुछ भी सामने आ सकता है। हालांकि क्या कुछ होगा ये तो 10 मार्च को ही तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां पर कल 12 जिलों की कुल 61 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर सभी तैयारियां हो चुकी हैं। मतदान को लेकर सभी जगह पर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम कर लिए गए हैं और पांचवें चरण की वोटिंग कल होगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां मतदान को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।